Hi viewers, welcome back. So we're making a nice snack recipe today with soya bean. Soya protein, very healthy for the body. So we're making a nice Chinese starter, which can also be a mini meal using soya bean. And the dish is called soya pepper chili fry. So let's have a look at the ingredients first. So we got some oil, we got some green chilies, some red chilies, some spring onions. We have ginger garlic chop. We have some spring onion greens for garnish. We have some colorful bell peppers. We have some boiled baby corn. We have some boiled soya bean chunks. We got some vegetable stock, some Szechuan sauce, some soya sauce, some corn flour and water, slurry, and salt pepper. So let's start our recipe. तो आइए बनाते हैं सोया पेपर चिली फ्राई. एक बहुत ही ईजी रेसिपी और जल्दी बन जाती है. आइए शुरू करते हैं. यहाँ पे हमारा पैन गर्म हो रहा है और पैन में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा रेगुलर ऑयल. और ऑयल के बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली एंड ग्रीन चिली, सूखी लाल मिर्च और ग्रीन चिली फ्रेश वाली. साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियंस और थोड़ा सा अदरक लहसुन जिसको चॉप किया गया. इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे. हम यहाँ पे आज सोयाबीन यूज कर रहे हैं. आप चिकन भी यूज कर सकते हैं, प्रॉन्स भी यूज कर सकते हैं. पनीर एंड कैप्सिकम कॉम्बिनेशन भी अच्छा बनता है. बट काफ़ी हमारे यहाँ पे रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ सोयाबीन के साथ कुछ अच्छी डिशेस बताई जाएं. तो आज हम बना रहे हैं एक सोयाबीन स्नैक. तो जैसे ही ये स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा पक जाता है अराउंड 30 सेकेंड्स के लिए, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सोया चंक्स. ये सोया चंक्स है, इनको हमने गर्म पानी में 20 मिनट के लिए सोक करके रखा था. फिर उसका पानी निकाल के हम उनको अब यूज़ करेंगे. थोड़ा इनको स्टर फ्राई कर लेंगे साथ में. थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर. नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे बेबी कॉर्न. बेबी कॉर्न को मैंने थोड़ा सा ब्लांच करके रखा हुआ है गर्म पानी में. तो थोड़ा सा कलर, थोड़ा टेक्सचर, थोड़ा न्यूट्रिशन बैलेंस. बेबी कॉर्न को ऐड करके थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे. सो सोयाबीन बेसिकली कुक्स वेरी फास्ट. इट्स फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, एंड वी मस्ट इंक्लूड इन आवर डाइट वंस इन अ व्हाइल, वेदर इट इज सोया कीमा और सोया चंक्स. A very good supplement for vegetarian people. So couple of minutes of stir frying. थोड़ा सा इसको पकने देंगे. तो हमारे यहाँ काफ़ी लोगों ने हमें रिप्लाई किया, फीडबैक दिया, और उन्होंने कहा कि शेफ़ कबीराज आप इतनी अच्छी रेसिपीज बनाते हैं, कभी कुछ अच्छी लाइनें भी सुना दीजिए. सो दे वर ट्राइंग टू से दैट कबीराज मीन्स किंग ऑफ पोएट्स. सो पोएट के साइड से कुछ लाइन्स. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल राइटर बट आई जस्ट ट्राइड अ फ्यू लाइन्स. सो सुन लेते हैं उसको. कवि ने अर्ज़ किया है, कविता ऐसी लिखो जो सबके मन को भा जाए. कविता ऐसी लिखो जो सबके मन को भा जाए, और खाना बनाओ ऐसा जो खाके पेट ना निकल आए. कविता ऐसी लिखो जो सबके मन को भा जाए, और खाना बनाओ ऐसा जो खाके पेट ना निकल आए. कहते हैं दिल और दिमाग को साथ लेके चलने में
है बड़ी समझदारी। कहते हैं दिल और दिमाग को साथ लेके चलने में है बड़ी समझदारी। अब आइए वापस और अपने देश के तरफ, निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी। आई होप यू लाइक दिस लाइन्स। थोड़ा ट्रायल चल रहा है आजकल, थोड़ा स्टॉक ऐड करेंगे इसमें। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल स्टॉक यूज़ किया, आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मॉइस्चर लगेगा सोयाबीन को। अब नेक्स्ट जो हम ऐड करेंगे इसमें वो है थोड़ा सा सोया सॉस, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, जस्ट हल्का सा कलर के लिए लिटिल बिट ऑफ सोया सॉस एंड थोड़ा सा शेजवान सॉस। सो पीपल वर राइटिंग टू मी अबाउट सम नाइस स्पाइसी रेसिपीज, थोड़ा चटपटा होना चाहिए, तो हमने थोड़ा सा उसमें शेजवान सॉस ऐड किया। अब थोड़ा सा क्रंच के लिए सम येलो कैप्सिकम्स, सम ग्रीन कैप्सिकम्स, सम रेड कैप्सिकम्स। सो फूड इज़ ऑल अबाउट कलर बेसिकली, द आईज ईट फर्स्ट एंड देन वी ईट। सो हमने कैप्सिकम ऐड कर दिया, इट लुक्स नाइस एंड कलरफुल। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया अभी, ठीक है। तो हम सोयाबीन को एक 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा और पकने देंगे। तो हमारा सोयाबीन यहाँ पे पक रहा है, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि एक अच्छा सा कलर भी आ गया है डिश के अंदर। अब इसको हम फिनिश करेंगे, इसको रेडी करेंगे प्लेटिंग के लिए। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू बी एडिंग इज सम कॉर्नफ्लोर एंड वाटर। सो इट्स बेसिकली अ स्लरी दैट्स गोना मेक माई स्नैक अ लिटिल बिट थिक एंड कोटिंग एंड द सोया डिश विल बी रेडी टू ईट। सो लेट्स ऐड द कॉर्नफ्लोर एंड वाटर मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ 1:2। सो 1 स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर एंड 2 स्पून ऑफ वाटर। तो जैसे आप इसको ऐड करोगे इसको आप थोड़ा सा स्टर भी करेंगे क्योंकि ये थिक होना शुरू हो जाएगा। द फ्लेम हैज़ टू बी ऑन हायर साइड एंड वंस यू ऐड द कॉर्नफ्लोर मिक्सचर इनसाइड इट विल स्टार्ट थिकनिंग योर ग्रेवी योर सॉस इनसाइड एंड ऑल्सो गिविंग ए शाइन टू इट। सो ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा शाइन आ गया और इसको बहुत ड्राई नहीं करना है क्योंकि थोड़ा सा जूसी होना चाहिए। आई एम सर्विंग इट लाइक अ स्नैक टुडे बट यू कैन ऑल्सो मेक इट अ बिट मोर ग्रेवी एंड यू कैन ऑल्सो हैव इट फ्राइड राइस, यू कैन इवन हैव इट प्लेन वाइट राइस और सम टोस्ट और इवन नूडल्स फॉर एग्जाम्पल। सो दिस लुक्स परफेक्ट टू मी राइट नाउ, स्मेल्स वंडरफुल विद द चिलीज इनसाइड एंड इट्स गॉट अ नाइस टेक्सचर फ्रॉम द बेबी कॉर्न एंड द बेल पेपर्स। So I will now turn off the flame and I will start plating my recipe. So I got a plate ready here. तो आइए इसको हम plating करते हैं, इसको serve करते हैं. Soya pepper chili fry. ज़रूर बनाइए इस dish को. And even all the non-veg lovers must try this recipe with chicken, with even lamb for example, or even prawns. Nice tasty dish for you to enjoy, ready in minutes, full of nutrition. And the last step, some spring onion greens to garnish my dish. And it's all set to be enjoyed. Do enjoy this recipe, do try it out. Thanks for watching and happy cooking.